तीन चालाक बकरे। एक वक्त की बात है जब तीन चालाक बकरे रहते थे। वो एक नदी के करीब घास वाली पहाड़ी रियासत में रहते थे। सबसे छोटा था छोटा चालाक बकरा, दूसरा था बीच वाला चालाक बकरा, और तीनों भाइयों में सबसे बड़ा था बड़ा चालाक बकरा। उन्हें सारा दिन मीठी हरी भरी घास खाना बेहद पसंद था। वो नदी का ठंडा ताजा पानी पिया करते। उन पहाड़ियों पर तीनों भाई बड़े मजे से रहते। तीनों दिन भर बस खाते खाते और खाते ही रहते थे। जल्दी उन्हें पता चला कि जिस पहाड़ी पर वो रहते थे वहाँ पर हर एक घास का पत्ता तो उन्होंने खाकर खत्म कर दिया। अरे नहीं, अब हम भला क्या खाएंगे? छोटा चालाक बकरा भाई रोने लगा। फिक्र ना करो छोटे मियाँ, बीच का चालाक बकरा बोला, नदी के दूसरी जानिब भी तो देखो, वहाँ पर रसीला हरा भरा और जायकेदार घास का मैदान है। बेशक, बड़ा चालाक बकरा बोला, हमें बस नदी का ये पुल पार करना है, उस जानिब बड़ी रसीली घास है नोश फरमाने के लिए। लेकिन पुल पार करना खतरनाक था। जब उन्हें पता चला कि एक बड़ी हैबतनाक लाल आंखों वाला हैवान उस पुल के नीचे रहता है, उस वक्त तीनों चालाक बकरे बेहद खौफजदा हो गए। उस हैवान के बहुत सारे बाल थे और बड़े नुकीले दांत भी थे। वो हैवान पुल पार करने वाले हर किसी को खा जाता था। वो बहुत दिनों से उन बकरों को खाने की कोशिश में था, लेकिन ठीक वक्त का इंतजार कर रहा था और उसे ये मौका जल्द ही मिल भी गया। उन तीन बकरों की भूख दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। अव्वल पहले कौन जाएगा? बड़ा चालाक बकरा भाई बोला, छोटे चालाक मियाँ को तो रुकना बर्दाश्त ही नहीं हुआ, इसलिए वो आगे आया और बोला, सबसे पहले मैं पुल पार करूँगा। उसने लंबी सांस ली और वो पहाड़ के नीचे चलने लगा। टिप टाप टिप टाप, उसके नाखून लकड़ी के पुल पर आवाज कर रहे थे। ये मेरे पुल पर कौन टप टप कर रहा है? वो हैवान पुल पर छलांग लगाकर उसके सामने आ गया। मैं हूँ छोटा बकरा। छोटा चालाक बकरा बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रहा था। मैं उस जानिब की मीठी घास खाने के लिए नदी पार कर रहा हूँ। तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं, वो हैवान चिल्लाया, क्योंकि तुम मेरी दावत बनने वाले हो। छोटा चालाक बकरा घबरा गया, लेकिन वो बड़ा ही चालाक और होशियार बकरा था। वो कहने लगा, अरे बराए मेहरबानी आप मुझे न खाएं, देखें मैं तीनों भाइयों में सबसे छोटा हूँ। मेरे जैसे छोटे पतले बकरे को खाकर आपका पेट न भरने वाला, मैं अच्छा खाना न बन पाऊंगा। लेकिन तुम मेरे बीच के भाई को खा सकते हो, वो आ रहा है, वो मुझसे बड़ा और मोटा भी है। ठीक है, फिर तुम पुल पार कर सकते हो। भूखा हैवान बोला और पुल के नीचे चला गया। वो छोटा चालाक बकरा टिप टाप करते हुए बचा हुआ पुल पार करके आलीशान घास के मैदान में चला गया। नदी की दूसरी जानिब खड़े दो बकरों ने देखा कि उनका छोटा भाई घास के मैदान में हिफाजत से पहुंच गया है। अब मैं जाऊंगा। बीच का चालाक बकरा बोला और बड़े भाई ने जैसे ही अपनी गर्दन हिलाई वो निकल पड़ा। वो भी पहाड़ पर टिप टाप करते हुए निकल पड़ा। उसके नाखून लकड़ी के पुल पर आवाज करने लगे। ये कौन है जो मेरे पुल पे टप टप कर रहा है? फिर एक बार उस हैवान ने पुल पर छलांग लगाई। मैं
हूँ बीच का चालाक बकरा भाई। मैं अपने छोटे भाई के लिए नदी पार करके उस मैदान में जाना चाहता हूँ। ये गैर मुनासिब है, वो हैवान फिर से चिल्लाया, क्योंकि तुम अब मेरी लज्जत बनने वाले हो। बीच के चालाक बकरे भाई को भी हैरत हुई। वो चौंक तो गया, लेकिन अपने छोटे भाई की तरह वो भी बड़ा चालाक था। वो बोला, तुम मुझे खा तो सकते हो, लेकिन तुम एक गलती कर रहे हो। देखो, मेरे अंदर तो सिर्फ हड्डी और चमड़ी ही है। अगर तुम कुछ और देर ठहरो तो तुम मेरे बड़े चालाक भाई को जरूर खा सकते हो। वो मुझसे बड़ा है, हम सब में वो बड़ा है, और यकीनन वो तुम्हारे लिए लजीज खाना बनेगा। ठीक है, तुम्हें जाने की इजाजत है। लालची हैवान बोला और होंठ चाटते हुए फिर से पुल के नीचे चला गया। वो बीच का चालाक बकरा भी टिप टाप टिप टाप करते हुए पुल पार कर गया और आलिशान घास के मैदान में अपने छोटे भाई से मिला। नदी की दूसरी जानिब रुके बड़े बकरे ने देखा कि उसके दोनों भाई मैदान में हिफाजत से पहुंच गए हैं, तो वो भी पुल पर टिप टाप करते हुए निकल पड़ा। उसकी आवाज सुनते ही पुल के नीचे छुपा हुआ हैवान तीसरी बार कूद कर उसके सामने आ गया। कौन है जो मेरे पुल पर टप टप कर रहा है? मैं बड़ा बकरा हूँ और मेरे दो छोटे भाई नदी के उस जानिब जा चुके हैं पहले ही। तुम्हें जाने की इजाजत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें नोश फरमाने वाला हूँ। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ। लेकिन अपने छोटे भाइयों की तरह वो बड़ा चालाक बकरा उस हैवान से डरने वाला न था, क्योंकि वो खुद बड़ा और ताकतवर था। उस बड़े चालाक बकरे ने गुस्से से अपने नाखून पुल पर जमाए और अपने नुकीले सिंग दिखाते हुए हैवान की जानिब दौड़ पड़ा। उसने उस हैबतनाक हैवान को ऐसा झटका मारा कि वो हैवान उड़कर आसमान में चला गया और वहाँ से नदी में गिर गया और बहुत सारा पानी यहाँ वहाँ उड़ने लगा। वो दोबारा किसी को नजर न आया और इस तरह बड़ा चालाक बकरा भी टिप टाप करते हुए पुल पार कर गया और उस आलीशान घास के मैदान में जाकर अपने छोटे भाई और बीच के भाई से मिल गया। वो तीनों चालाक बकरे अब पूरा दिन सिर्फ मीठी और हरी घास खाते और नदी का ठंडा पानी पीते थे, बड़े ही मजे करते थे। कहानी खत्म हुई। लेकिन मैं बहुत अभी भी बहुत भूखा हूँ। के बार तो मैं छोटे शिकार पर ही ध्यान दूंगा। बड़े शिकार से बड़ी हालत होती है और भूखा ही रहना पड़ेगा। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment!